अगर आपके पास भी मोगरे का पौधा है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आज का वीडियो पक्का देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम खास फर्टिलाइज़र, एक स्पेशल फर्टिलाइज़र मोगरे के पौधे के लिए बताने वाली हूँ, जिसको डालने के बाद आपका मोगरा भी फूलों से लद जाएगा, पत्तियाँ एकदम चमकदार हो जाएंगी, और ख़ास करके बारिश के मौसम में ये फर्टिलाइज़र बहुत काम करता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट लेसन पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मोगरे के लिए एक ऐसा सीक्रेट फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ, जिसको डालने के बाद आपका मोगरा एकदम फूलों से भर जाएगा, जैसे कि ये मेरा मोगरा है। इस मोगरे पर मैंने 10 दिन पहले एक फर्टिलाइजर अप्लाई किया था, और आज देखिए उसका रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। शुरू में भी आप लोगों को वीडियो में मैंने दिखाया कि देखिए मोगरे में कितनी अच्छी खासी फ्लावरिंग आई है, और कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग आई है, फूलों का साइज़ कितना अच्छा है, पता कितनी चमकदार हो गई है। तो दोस्तों, आज मैं वो फर्टिलाइज़र रिप्लाई तो नहीं करूँगी, रिपीट तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं फिर एक छोटा सा फर्टिलाइज़र डालूँगी। और आप लोग भी अगर यही रिजल्ट अपने मोगरे में चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, आप जाके उस वीडियो को पक्का देखेगा। और उसमें जो मैंने स्पेशल फर्टिलाइज़र फूलों वाले पौधों के लिए बताया था, उस फर्टिलाइज़र को एक बार मेरे कहने पर अपने पौधों में ज़रूर अप्लाई करिएगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, आप मेरा मोगरे का पौधा देख रहे होंगे। उस समय जब मैंने दिखाया था इसमें फूल नहीं थे, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, कटिंग करने के बाद इसमें फर्टिलाइज़र दे दिया था, और आज इसका रिजल्ट देखिए। मैं फिर से आप लोगों को इसका रिजल्ट दोबारा दिखाऊंगी, देख के आपको भी तंग हैरानी हो जाएगी कि इतनी अच्छी खासी फ्लावरिंग आप इस गर्मियों के मौसम में मोगरे में कैसे ले सकते हो। साथ ही साथ आज जो फर्टिलाइज़र मैं अप्लाई करूंगी, इसको भी अपने पौधों में 15 दिन में एक बार आप थोड़ा सा दीजिए, क्योंकि आज का जो फर्टिलाइज़र है वो नर्सरी सीक्रेट है। नर्सरी वाले अपने पौधों में इस फर्टिलाइज़र को हमेशा इस्तेमाल करते हैं, महीने में 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करते हैं। यही कारण होता है कि नर्सरी के जो फूल होते हैं, छोटे छोटे पौधे में एकदम फूल से भरे रहते हैं, और बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक नहीं है। इससे पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र डाला था वो ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों मिक्स करके डाला था, वो बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र था। और आज के इसमें मैं सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि नर्सरी वाले अप्लाई करते हैं वो फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो में बने रहेगा, वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा, साथ ही साथ मेरा ये मोगरे का खूबसूरत सा पौधा भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं ये खूबसूरत सा मोगरे का पौधा आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे फर्टिलाइज़र का रिजल्ट आप लोगों को दिखाती हूँ, और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन से ट्रिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसको अप्लाई करके आप भी अपने मोगरे के पौधों में इतने हैवी और इतने खूबसूरत फ्लावर ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने मोगरे का पौधा दिखा देती हूँ एकदम नीचे से, और आप देख के हैरानी होगी कि पौधे में एकदम नीचे से ही फूल आने शुरू हो गए हैं, और ये देखिए, और इतने अधिक इसमें फ्लावरिंग आ रहे हैं, और नई नई शाखाएं आ रही हैं, और हर शाखाओं पे इतनी अधिक कलियाँ आ रही हैं कि इसको देख के मन खुश हो जा रहा है। और सबसे अच्छी बात तो इस समय जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस मोगरे की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि उसको बता पाना संभव नहीं है। और इस समय तो देखिए फूल थोड़े कम हो गए हैं, क्योंकि सुबह पूजा के लिए मैंने फूल तोड़ लिए थे, और अभी दोपहर को मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि दोपहर को मैं खाली हो पाती हूँ। और उसके बाद भी देखिए इसमें कितने सारे फूल हैं, और जो मैंने पिछली बार फर्टिलाइज़र डाला था उस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट आप देखिए कि पत्तियाँ कितनी चमकदार और खूबसूरत लग रही हैं, साथ ही साथ हर नई शाखा पर कितनी सारी कलियाँ हैं, एक भी कली ऐसी नहीं है जो कि झड़ जा रही है या सूख जा रही है, सभी कली अच्छे खासे फूलों में कन्वर्ट हो रही हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि मोगरे पर इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिले, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपका पौधा फ्लावरिंग कर ले, तो फ्लावरिंग करने के बाद ऐसी जो शाखाएँ बच जाती हैं फूल तोड़ने के बाद या फूल सूख जाने के बाद, उन शाखाओं की आप कैंचिस की सहायता से दो पत्ते छोड़ के कटिंग करते रहिए, क्योंकि जैसे जितनी आप कटिंग करेंगे, जैसे ये वाला देखिए ये फूल पूरा खिल चुका है, आज मैंने इसको नहीं तोड़ा लेकिन कल अपने आप झड़ जाएगा। फूल झड़ने के बाद मैं इसको कैंची से यहाँ से काट दूँगी। जब हम कटिंग करते रहते हैं तो कटिंग करने के बाद अगल बगल से नई छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हैं, और उन हर नई शाखा पर ऐसे गुच्छों में कलियाँ आती हैं, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। आप चाहे तो इसको बेल वाला मोगरा भी बना सकते हैं, जिस मन इस समय इस पौधे में इतनी अच्छी ग्रोथ होती है कि आप चाहे जैसा इसको आकार दे सकते हैं, झाड़ीनुमा बना सकते हैं, इसको बेल का रूप दे सकते हैं, लेकिन हर समय फूल बहुत अच्छे आएंगे। और दोस्तों, इसमें जो मैं फर्टिलाइज़र पिछली बार अप्लाई किया था 10 दिन पहले, वो फर्टिलाइज़र वाकई पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरी उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो में जो मैंने विशेष फर्टिलाइज़र आप लोगों को बताया था, महीने में एक बार अपने फूलों वाले पौधों में उस फर्टिलाइज़र को पक्का दीजिए, उसका रिजल्ट आ देख के आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी। और उस फर्टिलाइज़र की खासियत है कि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी थोड़ा सा केमिकल और थोड़ा हमारे घर की चीज़ें, दोनों चीज़ों से मिला के मैंने बनाया था, और बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए नीचे भी कितने सारे फूल झड़े हुए हैं, और उसके बावजूद भी इतनी अच्छे खासे फ्लावरिंग है।
और अगर आप चाहते हैं कि जो फूलों वाले पौधे हैं उसमें हैवी फ्लावरिंग हो, तो उसके लिए आवश्यकता होती है कि आप पौधों को समय समय पर कुछ ऐसे फर्टिलाइजर जैसे पोटाश पोटेशियम वगैरह बहुत जो मायने रखता है पौधों के लिए। तो आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों को एक फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, क्योंकि जो पिछली बार मैंने फर्टिलाइज़र अप्लाई किया था उसके बाद इतनी हैवी फ्लावरिंग के बाद हमारा पौधा जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। और आज का जो फर्टिलाइज़र है वो नर्सरी का सीक्रेट है, यकीन मान के चलिए कि इस फर्टिलाइज़र को नर्सरी के लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और इसी फर्टिलाइज़र के कारण नर्सरी के छोटे छोटे पौधों में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है और फूलों का साइज़ इतना बड़ा बड़ा होता है। और जो मेरे हाथ में ये आप दाने देख रहे हैं, इस दानों को हम लोग DAP या डाई के नाम से जानते हैं। बहुत लोग इसे जैसे गांव की लोकल भाषा में इसे डाई कहा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम DAP होता है। DAP यानी जिसमें बहुत अच्छी खासा मात्रा में पोटेशियम, अमोनियम, नाइट्रोजन और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। DAP हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मेरे घर पर हमेशा रहती है, तो मैं अपने फूलों वाले पौधों में भी इसको हमेशा देती रहती हूँ। जब हमारे पास कम टाइम रहता है तो महीने में एक बार गुड़ाई गुड़ाई करके मैं पौधों को दे देती हूँ, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है या पोटाश पाया जाता है, जो कि हैवी फ्लावरिंग के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसके अलावा आप अगर घरेलू देना चाहते हैं तो आप केले के छिलके दे सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप कई और दूसरी चीज़ें भी दे सकते हैं जिसमें पोटाश की बहुत अच्छी खासी मात्रा होती है। प्याज के छिलकों से बना फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि जब बारिश का मौसम शुरू हो जाए तो इस समय अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र ना दीजिए, क्योंकि बारिश का पानी और लिक्विड फर्टिलाइज़र दोनों मिलकर बह जाएंगे और आपके पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो इस समय हमें अपने पौधों को ड्राई फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, और ड्राई फर्टिलाइज़र में अगर आप चाहें तो इस केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो मेरी पुरानी वाली वीडियो में जो मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताया था, जैविक फर्टिलाइज़र, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। और DAP के दाने बहुत ज़्यादा नहीं, केवल एक पौधों में, मेरा पौधा ज़मीन में है तो मैं लगभग आधा चम्मच के बराबर ये दाने डाल रही हूँ, और इसको जड़ों से थोड़ा दूर डालेगा क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है। और इसकी खासियत होती है कि ये बहुत धीरे धीरे गलता है, तो मतलब धीरे धीरे गलता है और आपका पौधा जो होता है उसकी जड़ें धीरे धीरे इसके पोषक तत्वों को लेती हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, खास करके बरसात के मौसम में। तो आप ये पक्का DAP के दाने डालिए अपने पौधों की गुड़ाई गुड़ाई करके, फिर ये डाल दीजिए। और अभी गर्मी का मौसम धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है, हमारे यहाँ दो बारिश हो चुकी है, आज भी बादल जैसे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ना डाल के ऐसे कुछ ड्राई फर्टिलाइज़र अपने पौधों को डालिए, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। पौधों की समय समय पर फूल, जो सूखे फूल हैं, उन फूलों की कटिंग करते रहिए, आप देखेंगे कि आपके पौधे कम से कम अभी भी मोगरे का पौधा आपका 3 से 4 महीने तक यानी सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग करेगा, और बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा। हमारा पौधा एक बार फ्लावरिंग करता है उसके बाद थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो उसको हमें कुछ विशेष टॉनिक देना पड़ता है। तो समय समय पर अपने पौधों को ऐसे कुछ अच्छे टॉनिक दीजिए। और दूसरी बात होती है, मोगरे को आप किसी ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ से खूब अच्छी खासी धूप मिले, क्योंकि मोगरे को फर्टिलाइज़र, पानी और उसके साथ साथ एक अच्छी धूप, जब अच्छी धूप मिलेगी तो पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और जहाँ उसको धूप की कमी होगी, आपके पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी, उसमें फ्लावरिंग कम होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पौधे को धूप में रखिए, किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर उसे एक अच्छी खासी धूप मिल रही है। साथ ही साथ महीने में एक बार आप स्पेशल फर्टिलाइज़र दीजिए, 15 दिन में 20 दिन में एक बार आप प्याज के छिलके या केले के छिलके या DAP के कुछ दाने आप डाल सकते हैं अपने पौधे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपका पौधा गमले में है तो DAP के केवल 4 या 5 दाने आप डालिए, उतना आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन पौधा ज़मीन में है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा के 20-25 दाने या लगभग आधा चम्मच के आसपास कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और ये मेरे पौधे में आप रिजल्ट देख ही रहे होंगे। साथ ही साथ कमेंट करके पक्का बताइएगा कि मेरा ये खूबसूरत सा मोगरे का पौधा आप लोगों को कैसा लग रहा है। और पिछली बार जब मैंने दिखाया था तो देखिए, ये मोगरे के पौधे में एक भी फूल नहीं थे, उस समय मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, और अब देखिए इसमें फूल आ गए हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। सुबह शाम पूजा के लिए भी हम जब चाहें, कुछ फूल मैं सुबह के टाइम तोड़ती हूँ, कुछ फूल मैं शाम की पूजा के लिए रख देती हूँ, और बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है मेरे फूलों में। तो आप भी ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर पौधों में अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो एक बार वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, मेरा ये मोगरे का पौधा अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी महत्वपूर्ण और खूबसूरत खूबसूरत पौधों से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ। पिछली बार मैंने दिखाया था फर्टिलाइज़र, उसका रिजल्ट देखिए कितना अच्छा है। तो आप भी इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को अप्लाई करिए और अपने पौधों में खूब अच्छी खासी फ्लावरिंग लीजिए, और ऐसे ही मस्त गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत